नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो मेरे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। स्कैम्स, आप इस वर्ड से जरूर वाकिफ होंगे क्योंकि आए दिन हमारे देश में स्कैम्स होते ही रहते हैं। पर क्या कभी आपने कैलकुलेट किया है कि इन स्कैम्स के चलते कितना नेशनल ट्रेजर वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, नष्ट होता है और जिसका भुगतान आप और हम सभी देशवासियों को टैक्सेस के थ्रू करना पड़ता है, उनकी भरपाई करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं आप सबके लिए पेश कर रहा हूँ एक स्लाइड शो जिसमें 2003 से लेके 2018 यानी 15 सालों के सबसे बड़े स्कैम्स को कैलकुलेट किया गया है और ये दिखाया गया है कि कितने बड़े अमाउंट का बोझ हम 15 सालों से लेते हुए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो स्लाइड शो। मगर स्लाइड शो शुरू करने से पहले मैं आपको एक न्यूज देने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि सिंगापुर में इस साल इतना नेट प्रॉफिट हुआ कि उसके सरकार ने बजट में ये अनाउंस किया कि इस साल वो लोग अपने देशवासियों को 14,000 रुपए ऐसे गिफ्ट देने वाले हैं। 14,000 रुपए कहा तो है। चलिए स्लाइड शो देखते हैं, शुरू करते हैं हमारे देश में 15 सालों में होने वाले स्कैम्स का ये स्लाइड शो। सबसे पहले आता है 2003 का उत्तर प्रदेश फूड ग्रेन स्कैम या चारा घोटाला, जिसमें हमारे देश ने 30 करोड़ रुपए खोए। आगे बढ़ने पर 2006 में नेवी वार रूम लीक स्कैंडल, जहां 18,000 करोड़ रुपए नष्ट हुए। 2008 में आया 2G स्पेक्ट्रम स्कैम और इसमें 1,76,000 करोड़ रुपए से हाथ धोना पड़ा हमारे देश को। 2010 का कॉमनवेल्थ गेम स्कैम तो याद ही होगा आप सबको, इसमें 70,000 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। आगे बढ़ते हैं 2012 में उत्तर प्रदेश राष्ट्र ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घोटाला, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए नष्ट हुए। 2012 एक ऐतिहासिक वर्ष था, जिसमें फिर अभिषेक वर्मा आर्म्स डील स्कैंडल हुआ, जहां 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इंडियन कोल एलोकेशन स्कैम यानी कोयला घोटाला इन 15 सालों का सबसे बड़ा स्कैम था, जिसमें 1,85,591 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। फिर 2013 में आया सारदा ग्रुप फिनेंशियल स्कैम, जो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा स्कैम था और जिसमें 2,500 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। 2018 यानी इस साल का सबसे बड़ा स्कैम है पंजाब नेशनल बैंक स्कैम, और जिसमें हमारे देश को 11,500 करोड़ रुपए खोना पड़ा। अगर टोटल किया जाए तो 15 सालों में 5,53,621 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब अगर हम हमारे आम भाषा में फिक्स डिपॉजिट पे इन पैसों को 15 साल के लिए रोल ओवर करें तो 14,10,284 करोड़ का घोटाला हुआ है इन 15 सालों में। बौखला लगे क्या? तो इस वीडियो को शेयर करें दूसरों में ताकि उनको ये अमाउंट पता चले। और अगर आपके पास अलग स्टैट्स है, ज्यादा स्टैट्स है, अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और करेक्ट स्टैट्स भी देते रहिए, उससे हम सबको नॉलेज मिलेगा और हम आगे अच्छे तरीके से बढ़ पाएंगे। और लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, साथ में घंटा बजा लीजिएगा पास ही में दिया हुआ है सब्सक्राइब बटन के। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कुछ नया न्यूज लेके नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए इंडिया चाहते रहो।